श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी की त्रिनेत्र शिव महापुराण कथा चल रही है और उस कथा को आप सभी लोग रोज़ अवश्य सुनते होंगे और उस कथा में कही हुई बातों को अपने जीवन में धारण भी करते होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे निश्चित ही आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो होता है कि हमें जो है दुख कष्टों का सामना क्यों करना पड़ता है, हमारे शरीर में इतने दुख और कष्ट क्यों आते हैं, हम तो लोगों के साथ अच्छा करते पर लोग हमारे साथ बुरा क्यों करते हैं। यह आपका प्रश्न अवश्य होता है। तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने आज की त्रिनेत्र शिव महापुराण कथा में बहुत अच्छे से समझाया। आइए मैं आपको बता दूं कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, आपके साथ आज जो भी हो रहा है वो आपके कल के कर्मों का फल है। ठीक है, आपने कल ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आज आपको ऐसा फल मिल रहा है। अगर आज आप अच्छे कर्म करते हैं तो इसका फल आपको कल मिलेगा अच्छे फलों के रूप में। ठीक है, और अगर आज आप ये देखकर कि भाई बुरा ही हो रहा है तो हम बुरा ही करेंगे, तो अगर आज आप बुरा कर रहे हैं तो कल भी आपको बुरा ही मिलेगा, और अगर आज आप अच्छा कर रहे हैं तो कल आपको अच्छा ही मिलेगा। आज आपको बुरा इसलिए मिल रहा है क्योंकि कल आपने कहीं ना कहीं किसी के साथ बुरा किया होगा या कुछ ऐसा किया होगा जो कि भगवान को पसंद नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आज हमारे ज़िंदगी में जो दुख कष्ट हैं वो दूर हो सकें, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जितना हो सकना है लोगों की मदद करना है। क्योंकि भगवान आपसे कभी ये नहीं कहते कि आप भगवान को ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। हाँ, भगवान की भक्ति आपको ज़रूर करना चाहिए, भगवान को फूल अर्पित, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। भोले बाबा बहुत ही भोले होते हैं, वो आपकी छोटी सी मतलब चीज़ से जो है ना बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको भक्ति तो करना ही है, भगवान का भजन तो करना ही है, साथ ही में आपको कुछ ऐसे काम भी करना है जिस काम से भगवान निश्चित ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आपको लोगों की मदद करना है, कोई भी जीव जंतु किसी भी तरह का प्राणी हो आपको उसकी मदद करना चाहिए। ठीक है, मदद ऐसी करना चाहिए कि सामने वाले की जब आप मदद कर रहे हो तो उसके दिल से डायरेक्ट दिल से जो है आपके लिए दुआ निकले, और जब वो दुआ निकलेगी तो वो दुआ जो है सीधे भगवान के पास जाएगी कि हाँ, इस इंसान ने जो है इस बंदी के लिए, इस इंसान के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो ये जो इंसान है ये बहुत अच्छा है। तो इसलिए आपको जो है लोगों की मदद करना चाहिए, लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए। लोग आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं पर आपको लोगों के बारे में अच्छा बोलना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, आपकी ज़िंदगी से सभी दुख कष्ट दूर अवश्य हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।